नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और मैं आपके साथ राष्ट्रवादी रोहित। शिंदे की बगावत की आंधी में उखड़ चुकी उद्धव ठाकरे की सेना अब हिंसा और धमकियों के बलबूते सत्ता का संधान कर रही है और मुंबई से लेकर ठाणे और पुणे तक बागी विधायकों के घर और दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। उधर विधायकों को नोटिस भी भेजा जा रहा है, हालांकि उद्धव को यह पता नहीं है कि उनकी सरकार का मर्सिया गुवाहाटी नहीं बल्कि वडोदरा में पढ़ा जा चुका है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक वडोदरा में शुक्रवार देर रात और शनिवार तड़के तीन महारथी मिले और तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र की नई सरकार की रूपरेखा तैयार कर ली है। दरअसल मुझे आज से 31 महीने पहले का वो दृश्य याद आता है, तस्वीर याद आती है, जब फडणवीस की चाल को शरद पवार ने अपनी राजनीतिक चालाकी से नाकाम कर दिया था। फडणवीस ने अजीत पवार के साथ शपथ ली लेकिन पवार ने बीजेपी का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी के चाणक्य तब पवार के तिकड़म से मात खा गए थे लेकिन इस बार बीजेपी के चाणक्य ने पवार को उन्हीं की पिच पर चारों खाने चित कर दिया है। बीजेपी के चाणक्य ने शुक्रवार रात ऐसी चाल चली कि उद्धव और शरद पवार के पास अब कोई चारा नहीं बचा, कोई चारा नहीं। क्या है पूरा मामला, जरा सबसे पहले इसको जानिए, देखिए, बहुत दिलचस्प है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत अब जिस तरफ चल रही है वहां पर ऐसी तस्वीरों को अब आने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए देखिए पहले से। वडोदरा में हो गया उद्धव का खेल, आधी रात को मिले तीन महारथी। उद्धव ठाकरे मुंबई में बैठक पर बैठक कर रहे हैं, बागियों की घर वापसी के लिए उन्हें नोटिस भेज रहे हैं, शिंदे गुट के विधायकों पर हमले हो रहे हैं। और उधर भीतर खाने की खबर यह है कि बड़ोदरा में आधी रात को महाअघाड़ी की सरकार का मर्सिया पढ़ा जा चुका है। खबर यह है कि एकनाथ शिंदे शुक्रवार देर रात को गुवाहाटी से एक प्राइवेट जेट में बैठकर बड़ोदरा रवाना हुए। ठीक उसी दौरान शुक्रवार रात 10:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुंबई एयरपोर्ट पर देखे गए। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस मुंबई से इंदौर पहुंचे और वहां से देर रात बड़ोदरा पहुंचे थे। और उद्धव के जले पर नमक ये हो गया कि गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही वडोदरा के सर्किट हाउस में मौजूद थे। अब सवाल ये है कि क्या तीनों महारथियों ने वडोदरा में आपस में कोई गोपनीय बैठक की है। इस बारे में बीजेपी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है लेकिन अगर अमित शाह, फडणवीस और एकनाथ शिंदे की गोपनीय मुलाकात हो चुकी है तो उद्धव को अब माथा पीटना छोड़कर हाथ खड़े कर देने चाहिए। क्योंकि अगर ये तीनों दिग्गज शुक्रवार देर रात या शनिवार तड़के मीटिंग कर चुके हैं तो महाअघाड़ी की सरकार को पछाड़ कर फडणवीस की अगुवाई में नई सरकार बनाने की रूपरेखा फाइनल हो चुकी हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सुबह 7:45 बजे उसी प्राइवेट जेट से गुवाहाटी वापस भी आ गए जिस पर बैठकर वो वडोदरा गए थे और किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि इससे पहले शिंदे ने बागी विधायकों को होटल रेडिसन ब्लू में संबोधित करते हुए कहा था कि हम सब के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो हर मुसीबत में हमारा साथ देगी। सुख दुख है आपल्या सगळ्यांचं एक आहे बरोबर, काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही होऊ द्या, आपलाच आहे। तो क्या शिंदे ने उस दिन इसी बात का इशारा किया था? सच्चाई चाहे जो हो लेकिन एक बात तय है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। लेकिन उद्धव हारने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को नोटिस जारी कर 27 जून शाम 5:30 बजे तक जवाब तलब किया है। इस नोटिस में धमकी दी गई है को अगर तय समय पर जवाब नहीं आया तो उन्हें अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
इस तरह का नोटिस भेज कर उद्धव बनिया देव ना पूरा तौल वाले जुमले को चरितार्थ कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब शिंदे गुट के पास दो तिहाई से ज्यादा विधायक हैं, तो 14-15 विधायक वाला गुट किस हक से कार्रवाई कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे सच तो ये है कि बाकी विधायकों से जंग हार चुके उद्धव ठाकरे अब अपने पिता बाला साहब की विरासत को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये विरासत बच जाए। उद्धव ठाकरे के जब सारे दांव फेल हो गए तो वो अब हिंसा पर उतारू हो गए हैं। और आज महाराष्ट्र में उद्धव की सेना ने, ध्यान दीजिएगा कि मैं उद्धव की सेना कह रहा हूं, शिवसेना नहीं कह रहा हूं, उद्धव की सेना ने आज बागियों के घरों दफ्तरों पर हमला बोल दिया। किसी बागी विधायक के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई तो किसी के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई। उद्धव को शायद ये लगा होगा कि अपने परिवार वालों पर हमले के डर से बागी विधायक सरेंडर कर देंगे, लेकिन इस हमले के बाद बागियों ने अपने तेवर और तल्ख कर लिए। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि वो हिंसा के आगे झुकने वाले नहीं है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने बाला साहब की विरासत को लेकर उद्धव को अब ललकारा है। उनका दावा है कि बाला साहब की विरासत के असली वारिस वही हैं, क्योंकि उद्धव ने तो सत्ता के लिए हिंदुत्व विरोधी ताकतों से हाथ मिलाकर बाला साहब की विचारधारा को रौंद डाला, खत्म कर दिया। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। दरअसल उद्धव ने आखिरी दांव के तौर पर शिंदे को सीएम पद का ऑफर भी दे दिया, लेकिन शिंदे ने साफ कर दिया कि वो हिंदुत्व विरोधी ताकतों के साथ सरकार नहीं चला सकते। साफ है कि शिंदे ने हिंदुत्व की पिच पर उद्धव को चारों खाने चित कर दिया है, और हिंदुत्व की पिच पर मात खाने के बाद उद्धव दोबारा से उसी पिच पर खेलने की जिद कर रहे हैं। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है और इस बात का एहसास ना केवल उद्धव को बल्कि उनके सहयोगी दलों को भी है, जो अभी चाणक्य बनने की भूमिका में लगातार अग्रसर है और जो सोच रहे हैं कि साम दाम दंड भेद तमाम नीतियों के साथ किसी तरह से भी ये सरकार बचा ली जाएगी। काम नया बागियों का मान मनवल, उद्धव की सेना ने शुरू किया सिर फुटवल। बाला साहब की विरासत की जंग, शराफत से शिवसेना का मोह भंग। गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। ना मान मनवल काम आया, ना मनुहार काम आया, ना इस्तीफे की पेशकश का इमोशनल ड्रामा काम आया, और ना ही बागियों के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम पद का ऑफर काम आया। तो हताश निराश उद्धव ठाकरे और उसकी सेना ने महाराष्ट्र में अपना असली रूप दिखा दिया। सियासी हथकंडे जब फेल हो गए तो उद्धव की सेना बागियों को डराने धमकाने के आखिरी दांव हिंसा और कोहराम पर उतारू हो गई। इन तीन तस्वीरों में उद्धव की सेना की साइकोलॉजिकल शिकस्त की दास्तां आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के पुणे स्थित दफ्तर की है, जहां उद्धव के हिंसक सैनिक गुंडई पर उतर आए। तानाजी के पुणे स्थित दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई गई और चलते चलते उन्हें गद्दार भी घोषित कर दिया गया। दूसरी तस्वीर एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के ठाणे स्थित दफ्तर की है, जहां उद्धव के उग्र फौजी कोहराम मचा रहे हैं। तीसरी तस्वीर शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुंडालकर के कुरला स्थित दफ्तर की है, यहां भी उद्धव की सेना शराफत का चोला फेंक कर अपना असली रूप दिखा रही है। सियासी दावपेच में एकनाथ शिंदे से शिकस्त खा चुके उद्धव ठाकरे के पास बस अब यही दाव बचा था। उद्धव को ये गलतफहमी हो गई है कि बागी विधायकों के घर परिवार पर जब हिंसक हमले होने लगेंगे तो गुवाहाटी से भागे भागे वे मुंबई चले आएंगे और दोनों हाथ उठाकर उनके आगे सरेंडर कर देंगे।
आपको यकीन नहीं हो रहा तो शिवसेना के मुफ्त प्रवक्ता संजय राउत का बयान सुन लीजिए। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। संजय राउत की धमकी वाली जुबान में आप उद्धव ठाकरे की चौतरफा हार की सरगोशी सुन सकते हैं। साफ है कि लुंगी की पुंगी बजाने से शुरू हुई शिवसेना की सियासत गरीब उत्तर भारतीयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की कारगुजारी से आगे निकलकर अब मराठी मानुषों पर हिंसक हमले के अंजाम तक पहुंच चुकी है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिया जब बुझने को आता है तो फड़फड़ाने लगता है। उद्धव ठाकरे अब समझ चुके हैं कि पार्टी और सत्ता दोनों उनके हाथ से निकल चुकी है, इसीलिए गुलिस्ता ही जलाने पर आमादा हो गए हैं। हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि शिवसेना का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। उद्धव को लगा कि दिए की फड़फड़ाहट देखकर एकनाथ शिंदे और दूसरे बागी विधायक हथियार डाल देंगे, लेकिन हो उल्टा गया है। हिंसक हमले के बाद एकनाथ शिंदे ने बयान जारी कर कहा है कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो उसके लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। शिंदे के इस बयान से साफ है कि वो और उनके गुवाहाटी में धुनी रमा रहे बागी विधायक उद्धव के साइकोलॉजिकल वारफेयर के आगे सरेंडर करने वाले नहीं हैं। और तो और, बागी गुट ने शिवसेना बाला साहब के नाम से नया गुट बनाने की घोषणा कर उद्धव के खिलाफ खुला यलगार भी कर दिया है। साफ है कि तरह तरह के हथकंडों के इस्तेमाल के बाद हिंसा का रास्ता इख्तियार कर उद्धव सेना ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं, और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है, और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना ये नम अमान्य करना ये उनका अधिकार है। अब उद्धव के सैनिक बेशक खीज निकालने के लिए एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर कालिख पोते, एकनाथ ने उद्धव के मुंह पर बगावत का असली कालिख कायदे से पोत दिया है। अब तो उद्धव की सबसे बड़ी चुनौती मातोश्री की बची खुची साख बचाने की है, क्योंकि शिवसेना के दो तिहाई से ज्यादा विधायक शिंदे के पक्ष में दस्तखत भी कर चुके हैं। बागी विधायक लगातार बाला साहब के आदर्शों पर चलने की बात कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि असली शिवसेना मातोश्री की चार दीवारी में कैद है या फिर गुवाहाटी रेडिसन ब्लू होटल में कुलांचे मार रही है। इंतजार कीजिए, इसका फैसला जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे सच्चाई ये भी है कि महाराष्ट्र में जो कई दिनों से लुका छिपी का खेल चल रहा है वो अब खत्म होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की महाभारत में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की डायरेक्ट एंट्री बताती है कि अब बड़ा खेल पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला होगा। मैं राष्ट्रवादी रोहित आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे के लिए अब सरकार बचाना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन बीजेपी केवल सरकार नहीं बदलना चाहती, उसका गेम प्लान बहुत बड़ा है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में एक तीर से बीजेपी कैसे तीन शिकार करने वाली है। एक तीर से तीन शिकार। कई दिन तक खामोश रहने के बाद उद्धव ठाकरे आज दादर में शिवसेना के दफ्तर में खूब गरजे, लेकिन इस बार वो आवाज से भले ही विरोधियों या कहें कि बागियों को डरा रहे थे, लेकिन असल में उद्धव आज बेहद डरे हुए थे। एक कमजोर नेता ही अपने कारिंदों से विरोधियों पर हमला कराता है, और जिस तरह से उद्धव के सिपह सालार संजय राउत ने कहा कि शिवसैनिक आग लगा देंगे, दरअसल वो डराने से ज्यादा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या असली शिवसैनिक उनके कहने पर सड़कों पर आते हैं, या वो भी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के पीछे
खड़े हो चुके हैं। शिंदे असली सिंघम उद्धव बेदम, बाला साहेब की विरासत पर तकरार, उद्धव की हार शिंदे की जयकार। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे बिना मुख्यमंत्री बने दशकों तक सुपर सीएम की तरह सरकार राज चलाते रहे। सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुंबई में होता वही था जो बाला साहब ठाकरे चाहते थे। लेकिन उसी मुंबई में जब उनका बेटा मुख्यमंत्री है, तब विरोधियों ने ऐसी बाड़ेबंदी कर दी है कि शिवसेना के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। बाला साहब ठाकरे कभी अपने वसूलों से समझौते नहीं करते थे, लेकिन उनके बेटे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पार्टी के सिद्धांतों से न सिर्फ समझौता किया, बल्कि ऐसा किया कि आज पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है। महाराष्ट्र के किसी शिवसैनिक ने कभी सोचा नहीं था कि एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री की सरकार में हनुमान चालीसा पाठ करने वालों को जेल भेजा जाएगा, औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाने वालों का सम्मान होगा। सत्ता के लिए सिद्धांतों से किनारा करना अब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। दादर के शिवसेना भवन में पार्टी की कार्यकारिणी में उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की लड़ाई का संकल्प दोहराया, लेकिन सवाल तो ये है कि ये संकल्प तब क्यों नहीं दिखा जब एकनाथ शिंदे ने आवाज उठाई थी। सीएम बनने के बाद मराठी अस्मिता क्यों याद नहीं आई, लाउड अजान पर सॉफ्ट और चालीसा पाठ पर सख्ती क्यों की? आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी। उद्धव की यही गलती अब शिवसेना के अस्तित्व पर संकट बनकर आ गई है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में बड़ा धमाका किया है। उन्होंने 38 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में सभी 38 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि अंदर खाने की खबर यह है कि शिवसेना के बचे हुए 17 विधायकों में भी कई ऐसे हैं जो उद्धव का साथ छोड़ने को तैयार हैं। एकनाथ शिंदे ने नई पार्टी के नाम का सिगुफा छोड़कर उद्धव के दिमाग पर मानो एटम बम गिरा दिया है। शिंदे ने उद्धव से न सिर्फ पार्टी छीनने की तैयारी कर ली है, बल्कि बाला साहब की विरासत पर कब्जे का फाइनल ब्लूप्रिंट भी मीडिया के सामने पेश कर दिया है। शिंदे गुट ने कहा है कि उनकी पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहब होगा, मतलब कि एकनाथ शिंदे उद्धव से न सिर्फ पार्टी छीनेंगे, बल्कि वो विरासत भी छीन लेंगे जिसके सहारे उद्धव सीएम बने हैं। इसी से दिल मिलाए उद्धव ने चुनौती दी कि अगर शिंदे में दम है तो अपने पिता के नाम पर वोट मांग कर दिखाएं। आने दो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़ कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। बाला साहब ठाकरे बेखौफ होकर मुंबई पर राज करते थे, जबकि उनके मुख्यमंत्री बेटे डरे हुए हैं। उनकी डरी हुई सियासत का सबसे बड़ा प्रमाण चुनाव आयोग को लिखा गया लेटर है, जिसमें बाला साहब के नाम का दुरुपयोग रोकने का आग्रह किया गया है। अगर उद्धव ठाकरे ने पिता बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं किया है तो फिर उन्हें डर किस बात का है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बागी गुट को डराने के लिए शिवसेना के बागी विधायकों और उनके परिजनों की मिली सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर बागी विधायकों के परिवार और उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर भी उद्धव की फजीहत हो रही है, क्योंकि उनके फैसले को महाराष्ट्र के गृह मंत्री ही नकार रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने किसी विधायक की सुरक्षा नहीं हटाई है। कोई भी MLA या विधायक जो है, इनकी किसी की भी सुरक्षा निकाली नहीं गई है। ऐसे कोई आदेश होम डिपार्टमेंट ने दिए नहीं है।
बागी गुट को डराने के लिए डिप्टी स्पीकर की तरफ से उद्धव ने 16 विधायकों को नोटिस भिजवाया है और उनके ऑफिशियल मेल आईडी से 27 जून तक जवाब मांगा गया है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उनकी विधायकी रद्द करने की बात कही गई है। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव की रणनीति पर वज्रपात करते हुए दावा किया है कि असली शिवसेना वही है, लिहाजा नोटिस का कोई मतलब नहीं बनता है। बागी गुट इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। दूसरा ऑप्शन नहीं था मैडम लोगों के पास कि वो बाहर निकले और एक शुरुआत में प्रेशराइज करने का थोड़ा सा ये रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने मीटिंग्स भी की और ये मीटिंग्स करने के बावजूद भी वो अगर ये नहीं होता है, मतलब वो हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, तो इसलिए ये अलग गुट बनाना पड़ा। महाराष्ट्र की इस महाभारत में शरद पवार की भूमिका हैरान करने वाली है। कभी वो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की बात करते हैं तो कभी इसे शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई बताते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की महाभारत का ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है, कैसे वो हिंदुत्व पीछे रह गया जो बाला साहब का था और ये हिंदुत्व सामने आ गया जो सिर्फ कहने को रह गया और कहीं ना कहीं जो विचार थे वो विचार बहुत पीछे छूट गए। इन विचारों की इनसाइड स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। यह सच्चाई है कि उद्धव ठाकरे अपने किए की सजा भुगत रहे, इसमें कोई संदेह नहीं। दरअसल सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि बीजेपी से 25 साल पुराना नाता तोड़ लिया। सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से बेमेल गठबंधन बनाया, जिससे शिवसेना के विधायकों और कार्यकर्ताओं में मैसेज ये गया कि उद्धव ने सत्ता के लिए बाला साहब के वैचारिक विरासत को धोपोछकर साफ कर दिया है। यहां तक तो किसी तरह गाड़ी चल रही थी, लेकिन जब सीएम की कुर्सी मिली तो उद्धव में अहंकार ने कुछ ज्यादा ही बड़ा घर बना लिया, यानी अहंकार कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका था। उद्धव को तब तक वो अहंकार घेर चुका था और खुद शिवसेना के विधायक और मंत्रियों की आंखें उद्धव से मिलने को तरसने लगी। एनसीपी के विधायक और मंत्री उद्धव से आसानी से मिल पा रहे थे, लेकिन शिवसेना के विधायकों और मंत्रियों के लिए वो सपना बन गए। शिवसेना के मंत्री और विधायक आखिर ये कब तक बर्दाश्त करते। अच्छा, दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं थी कि मुलाकात नहीं होती थी, पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के लिए भी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें बाला साहब की विचारधारा को फॉलो करना है या फिर सेक्युलर कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा को। यही वजह है कि एकनाथ के साथ 38 विधायकों के बागी होने के बाद भी महाराष्ट्र के शिव सैनिक असमंजस की स्थिति में थे कि करना क्या है, अब क्या करें, किधर जाएं। लेकिन आज शिवसेना के मुंहफट प्रवक्ता संजय राउत ने आग लगाई, लगाने वाले एक जो बयान दिया उसके बाद कुछ गिने चुने शिवसैनिक सड़कों पर उतरे और बागी विधायकों के घर और दफ्तरों में जाकर तोड़फोड़ की। इन सब के बीच कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ पींगे बढ़ाने के बाद शिवसेना का वजूद संकट में आ चुका है और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह ऊंट किस करवट बैठता है। उद्धव के हाथ से निकला कमान और तीर, बाला की विरासत का कौन असली शूरवीर? ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी, वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। खंड खंड शिवसेना का अस्थिपंजर, उद्धव देख रहे हैं अपनी हार का मंजर। उद्धव ठाकरे का विनाश काल आया तो उन्हें हिंदुत्व की चिंता होने लगी। बागी शिंदे गुट ने हिंदुत्व से किनारा करने के लिए जब उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया तो उद्धव को अपने पुराने गुनाह धोने की सुध होने लगी। विधायक तो उद्धव के पास बहुत थोड़े बचे हैं, इसलिए शनिवार को उन्होंने शिवसेना की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उद्धव की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में 6 प्रस्ताव
पास करने का कोरम पूरा किया गया। कौन से 6 प्रस्ताव पास किए गए हैं आप भी जान लीजिए, क्योंकि इन प्रस्तावों में उद्धव की बेकरारी खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना बाला साहब की है और रहेगी। किसी को बाला साहब के नाम का बेजा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बागी एकनाथ शिंदे से शिवसेना संगठन के सारे पद छीन लिए जाएंगे। बागी विधायकों पर कार्रवाई का अधिकार शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के पास रहेगा। मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना अपने पुराने आक्रामक रवैये पर कायम रहेगी। कोरोना काल में उद्धव ठाकरे ने धारावी मॉडल के जरिए सराहनीय काम किया। बीएमसी चुनाव में शिवसेना फिर से अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। उद्धव ने इस मीटिंग में बागियों को धमकाते हुए कहा कि वो बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। दरअसल उद्धव गुट के 6 प्रस्तावों में से 3 तो एकनाथ शिंदे को धमकाने के लिए पास किए गए। 2 प्रस्ताव उद्धव ठाकरे का मनोबल बढ़ाने के लिए पास किए गए, लेकिन हिंदुत्व पर जो प्रस्ताव पास किया गया वो ये बताने के लिए काफी है कि हनुमान चालीसा के नाम पर अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जेल भेजना उद्धव पर भारी पड़ गया है। हिंदुत्व को लेकर उद्धव से चंद सवाल तो ऐसे में बनते ही हैं। पहला सवाल, कांग्रेस और एनसीपी जैसे खांटी सेक्युलर दलों के साथ शिवसेना आक्रामक हिंदुत्व की राह पर कैसे चल पाएगी? दूसरा सवाल, हिंदुत्व की राह पर चलना था तो सत्ता के लालच में आकर बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा? तीसरा सवाल, जिन्हें मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान भर से चिढ़ है, वो हिंदुत्व की रक्षा कैसे कर पाएंगे? चौथा सवाल, बागी गुट की बीजेपी के साथ सरकार बनाने की मांग को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? कहने की जरूरत नहीं कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने पहले शिवसेना की उग्र हिंदुत्व वाली विरासत की कब्र खोद दी, और वही सत्ता जब हाथ से निकलती दिख रही है तो उसे बचाने के लिए हिंदुत्व की डोर फिर से थामने का नाटक कर रहे हैं। जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है, और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना ये नम अमान्य करना ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस राह पे हमको चलना है उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है, 2/3 बहुमत हमारे पास है। 31 महीने पहले उद्धव ठाकरे ने चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ ही बीजेपी का साथ सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उन्हें हर हाल में सीएम की कुर्सी चाहिए थी। सीएम की कुर्सी पर काबिज होने के लिए उद्धव ने उन दलों के साथ गलबहियां कर ली जिन्होंने गलती से भी हिंदुत्व का समर्थन नहीं किया। हिंदुत्व को दरकिनार कर जिस दिन उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, बाला साहब की वैचारिक विरासत को मानने वाले शिव सैनिकों में उसी दिन से विरोध की चिंगारी भड़कने लगी थी, और आखिर में विरोधी की ये चिंगारी बड़े विस्फोट के रूप में सामने आई। उद्धव तमाशबीन बने देखते रहे और शिवसेना के विधायक एक एक कर गुवाहाटी जाते रहे। हिंदुत्व के अखाड़े में एकनाथ शिंदे ने उद्धव को ऐसी धोबी पछाड़ मारी है कि उठकर खड़े होने की हालत भी उनकी नहीं रह गई है। दरअसल मरता क्या न करता की तर्ज पर उद्धव ने एकनाथ शिंदे को इशारों में सीएम पद का भी ऑफर दिया, लेकिन शिंदे ने यह कहकर उद्धव को शर्मिंदा कर दिया कि मुझे सीएम की कुर्सी नहीं बल्कि हिंदुत्व का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए। त्यांनी सांगावं मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे। सभी लोग जो है हम बालासाहेब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। साफ है कि सत्ता के लोभ में हिंदुत्व से किनारा करने वाले उद्धव को एकनाथ शिंदे ने कहीं का नहीं छोड़ा है। 31 महीने के सत्ता सुख ने हिंदुत्व को लेकर उद्धव की विश्वसनीयता को मटिया मेट कर दिया है। उद्धव अब ऊंचे टीले पर भी खड़े होकर कहें कि उन्हें हिंदुत्व से प्यार है तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसका असर यह है कि शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे ने वर्षा बिल्डिंग से निकलकर मातोश्री जाने वाले उद्धव पर फूल बरसाए थे, लेकिन वही दिलीप लांडे बागी बनकर एकनाथ शिंदे के चरण स्पर्श करते देखे गए। रिपोर्ट जी मीडिया। वैसे सच ये भी है कि बाला साहब के एक इशारे पर जान न्योछावर करने को आतुर शिव सैनिक आखिरकार उद्धव के खिलाफ कैसे हो गए? क्या सिर्फ हिंदुत्व से किनारा करना इसकी वजह है या कुछ और भी है?
मैं राष्ट्रवादी रोहित, आज आपको शिवसेना में सबसे बड़ी बगावत की इनसाइड स्टोरी बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको आज कहा था कि मैं आज आपको इनसाइड स्टोरी बताऊंगा, इस बगावत के पीछे की पूरी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है। उद्धव ठाकरे ऊपर से जितना विनम्र और कम बोलने वाले दिखते हैं, दरअसल उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि वो इतने सरल नहीं है। बाला साहब की विरासत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे पहले से ज्यादा अहंकारी हो गए हैं। उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं है। और आज यह आपको बताना भी मैं चाहता हूं कि शिवसेना अगर पहले 3 बार टूटी है और 4थी बार फिर टूट की कगार पर है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे ही जिम्मेदार है। दरअसल उद्धव ठाकरे की एक आदत सियासत में उनके साथियों को कतई रास नहीं आती, वो है इंतजार कराने की। और उद्धव ठाकरे जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये आदत और बुरी हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, वो अपने ही कोटे यानी कि शिवसेना के मंत्रियों को ही मिलने का वक्त नहीं देते। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवसेना के एक बागी विधायक ने आरोप लगाया है कि उद्धव चाटुकार मंडली से घिरे हुए थे। यही मंडली शिवसेना के विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच दूरी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और शिवसेना के बाकी विधायक इस बात से बेहद आहत थे कि उनके मुख्यमंत्री कांग्रेस और एनसीपी के हारे हुए नेताओं से अक्सर मिलते हैं, उनकी बातों पर एक्शन भी लेते हैं, लेकिन शिवसेना के विधायकों की वो एक भी नहीं सुनते। मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। शनिश्चर के फेर में फंसे उद्धव, बजरंगी वाण से सियासत का बंटाधार, रस्सी जल गई ऐठन बाकी। महाराष्ट्र की लड़ाई में उद्धव ठाकरे के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है, लेकिन अहंकार ऐसा है कि वो अब भी एकनाथ शिंदे को धमकियां दे रहे हैं, जबकि गुवाहाटी में बैठे शिंदे अब भी बाला साहब के नाम की माला फेर रहे हैं। शिंदे कह रहे हैं कि उनके गुरु आनंद दिघे ने उन्हें गुरु मंत्र दिया था कि न कभी हिंदुत्व को भूलना और न कभी बाला साहेब को। शिंदे का दावा है कि बाला साहेब को उद्धव ने सत्ता के लिए भुला दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बार उद्धव से बाला साहब के सिद्धांतों की बात की, कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन उद्धव अहंकार में इस कदर डूबे थे कि उन्होंने हिंदुत्व और सिद्धांतों की लड़ाई की बातें करने वाले शिंदे को ही पार्टी से किनारे करना शुरू कर दिया। उद्धव इस भ्रम में थे कि वो एक नहीं कई एकनाथ शिंदे बना सकते हैं, लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने हथौड़ा मारा तो उद्धव को उठने तक का मौका नहीं मिला। उस सरकारी बंगले वर्षा से सीधे मातोश्री आ गए। शिंदे फिर भी पार्टी नहीं तोड़ना चाहते थे, वो बस इतना मांग रहे थे कि उद्धव उन्हीं सिद्धांतों पर चलें जो बाला साहब ठाकरे ने बनाए थे, लेकिन उद्धव को लगता था कि हिंदुत्व तो सिर्फ चुनावी शिगुफा है। ये हिंदुत्ववादी जो पार्टीज है वो इकट्ठा रहे और ये मतलब नेचुरल अलायंस है बिटवीन शिवसेना एंड बीजेपी। दैट अलायंस मे कंटिन्यू और मे नॉट कंटिन्यू, इट डिपेंड्स ऑन बीजेपी। वी हैव नॉट येट अप्रोच्ड देम, बट वी आर डेफिनेटली टाइंग हैंड्स विद एनडीपी एंड कांग्रेस, प्राइमरीली बिकॉज they have seen to it that our MLAs or MPs who are working in Maharashtra. उद्धव का हिंदुत्व से किनारा और मराठी अस्मिता पर मौन शिव सैनिकों को बहुत खल रहा था। शरद पवार के इशारे पर नाचने वाले उद्धव ने अपने ही विधायकों और मंत्रियों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। एकनाथ शिंदे के फैसलों पर उद्धव ठाकरे रोक लगा देते थे, जबकि उनके विरोधी हारे हुए एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के कहने पर फाइलें पास करते थे। प्रमुख सचिवों के मार्फत शिंदे की पास की हुई फाइल रोक देते थे। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एकनाथ शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भ्रष्टाचार केस में फंसाएं, लेकिन शिंदे ने उनकी बात नहीं मानी। इसकी सजा शिंदे को कई बार मिली। शहरी विकास मंत्री होने के बावजूद मुंबई की डीपीआर पर शिंदे के फैसलों को पलट दिया गया। शिंदे ने रायगढ़, ठाणे और पालघर में कुछ आईएएस
अफसरों की नियुक्ति की पैरवी की, जिसे खारिज कर दिया गया। बागी गुट के एक और विधायक संजय शिरसाट ने चिट्ठी लिखकर बगावत की बड़ी वजह विधायकों और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी बताई है। उद्धव की मंडली बगावत की कुंडली। संजय शिरसाट ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव के आसपास एक मंडली बन गई थी, जिसकी वजह से शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों से उद्धव की दूरी बन गई थी। मंत्रियों और विधायकों को अपने ही सीएम से मिलने के लिए मंडली के चक्कर लगाने पड़ते थे। शिवसेना के विधायकों को मुख्यमंत्री के आवास वर्षा में सीधे दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। कई बार उन्हें मिलने का टाइम दिया जाता और फिर बैरंग लौटा दिया जाता। उद्धव सीएम दफ्तर नहीं जाते थे, लिहाजा वहां भी मंत्री और शिवसेना विधायक शिकायत नहीं कर पाते थे कि गठबंधन का पूरा फायदा एनसीपी और कांग्रेस के पूर्व विधायक उठा रहे हैं। उन्हें बेइज्जत करने के लिए अक्सर गेट पर घंटों इंतजार करवाया जाता था, इसके बाद भी मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। उद्धव की पुरानी आदत, इंतजार कराने की लत। उद्धव और राज ठाकरे की लाइफ पर लिखी किताब ठाकरे भाव में खुलासा किया गया है कि उद्धव ठाकरे को इंतजार कराने की पुरानी लत है। वो प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे दिग्गज बीजेपी नेताओं को भी घंटों इंतजार कराया करते थे। बाला साहब ने जब उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, तब उद्धव की ये आदत और बढ़ गई। उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं तक को इंतजार कराना शुरू कर दिया। राज ठाकरे और नारायण राणे ने उनकी इसी आदत से तंग आकर पार्टी छोड़ दी थी। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क स्थित अपने घर कृष्ण कुंज के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मेरा झगड़ा विट्ठल यानी भगवान यानी बाला साहब ठाकरे से नहीं, उनके आसपास के पुजारियों से है। कुछ लोग हैं जो राजनीति का एक अक्षर नहीं समझते हैं, इसलिए मैं शिवसेना से इस्तीफा दे रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे मेरे देवता थे, हैं और बने रहेंगे। उद्धव की इसी आदत से शिवसेना 3 बार पहले भी टूट चुकी है, लेकिन तब बाला साहब के करिश्मे ने पार्टी को बचा लिया था। अब की बार संकट बहुत बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस अब कामयाब होगा ये तय हो चुका है, लेकिन सबकी नजर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी पर टिकी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत का आगे क्या होगा, कौन उसे बढ़ाएगा, क्या शिवसेना से अलग हुए बाला साहब ठाकरे के सिखाए लोग अब एक मंच पर आएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने थोड़ी देर पहले कहा कि बाला साहब ठाकरे एक सोच है और सोच किसी की जागीर नहीं होती। अगर लोग भड़क गए आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की महाभारत में फिलहाल सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो शिवसेना है। उद्धव ठाकरे का सीएम पद से जाना अब मात्र औपचारिकता रह गया है। वो विधानसभा में संख्या बल करीब करीब खो चुके हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई पार्टी और चुनाव निशान, कमान और तीर को बचाने की है। अगर शिंदे गुट ये साबित कर देता है कि उसके पास 2/3 से ज्यादा विधायकों का साथ है, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है, लिहाजा पार्टी का चुनाव निशान किसे मिलेगा इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। जिसे चुनाव आयोग पार्टी का सिंबल देगा, पार्टी का उसी पर कब्जा माना जाएगा। लेकिन सिर्फ विधायकों के समर्थन से शिंदे शिवसेना पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें पार्टी की टॉप कमेटियों, निर्णय लेने वाली समितियों का भी समर्थन चाहिए। चुनाव आयोग देखेगा कि किस गुट के पास ज्यादा मेंबर्स हैं, उसी के पक्ष में फैसला आएगा। एकनाथ शिंदे के पास फिलहाल शिवसेना के करीब 40 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा कुछ सांसदों के भी शिंदे को समर्थन देने की खबरें हैं। ठाणे जिले के करीब 40 कॉरपोरेटर भी शिंदे के साथ बताए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जिलों की कमेटियों और निगमों के कॉरपोरेटर को उन्हें अपने साथ करना होगा। और राष्ट्रवाद में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और हाँ, हर रोज रात 9 बजे मेरे साथ
राष्ट्रवाद।